दोस्तों आज बात करने वाले हैं एंड्रॉयड टीवी में माउस कैसे चलाएं और स्मार्ट टीवी में माउस कैसे कनेक्ट करें। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग के पास एंड्रॉयड टीवी है या स्मार्ट टीवी है, दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि आपके टीवी में ब्लूटूथ होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके टीवी में ब्लूटूथ है कि नहीं है, तो यहाँ पर आई बटन पे एक प्लेलिस्ट है, उसमें कई सारे वीडियोस है। वहां पर एक वीडियो है कि स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ है कि नहीं है, कैसे पता करें, उस वीडियो को देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एंड्रॉयड टीवी में माउस कैसे चलाएं। तो दोस्तों देखिए, अगर एंड्रॉयड टीवी है तो उसमें ब्लूटूथ होगा ही होगा, ठीक है। अगर स्मार्ट टीवी है और उसमें ब्लूटूथ नहीं है, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। तो माउस चलाने के लिए मैं आप लोग को बता दूं कि यहां पर दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आपके पास जो माउस है वो होना चाहिए वायरलेस, ठीक है। अगर वायरलेस माउस है तो उसमें ब्लूटूथ होगा। अब ब्लूटूथ माउस है तो वो ऐसे स्मार्ट टीवी में या एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट होगा जिसमें पहले से ब्लूटूथ है, तभी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक ये है कि अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है लेकिन उसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी दो विकल्प है। एक तो ये कर सकते हैं कि आप वायर वाला यूएसबी जो माउस है उसका इस्तेमाल करें, और अगर आप यूएसबी माउस इस्तेमाल करेंगे तो वो सिर्फ एक मतलब इतना ही मतलब एक डिस्टेंस होता है, उतने तक ही रह सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वायरलेस माउस का इस्तेमाल करेंगे तो पूरे रूम से आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि दूर बैठकर भी आप अपने स्मार्ट टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि आप इस कीबोर्ड को इस्तेमाल कीजिए, कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे अपने एंड्रॉइड टीवी में, तो इसमें भी देखिए एक तरह से यूएसबी वाला है, यूएसबी वाले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वो यहां पर टीवी के पास ही बैठकर मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड और माउस है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है तो वो आपके लिए बढ़िया है। वो आप टीवी दूर पर रखा हुआ, दूर रखा हुआ तो भी आप यहां से आराम से माउस और कीबोर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्मार्ट टीवी में एंड्रॉइड टीवी में माउस चला सकते हैं। उसके लिए क्या, अच्छा चलिए, जिनके स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ नहीं है वे लोग क्या कर सकते हैं। देखिए ये है एक तरह से एडाप्टर, ब्लूटूथ एडाप्टर है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं कंप्यूटर में, लैपटॉप में इस्तेमाल करता हूं। इसको लगाने के बाद ये जो वायरलेस ब्लूटूथ वाला जो माउस है, कीबोर्ड है, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। कुछ सेटिंग वेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको इसे अपने स्मार्ट टीवी में लगाना है। स्मार्ट टीवी का जो यूएसबी होता है, जिसमें हम लोग पेनड्राइव लगाते हैं, जिसमें हम लोग जो है डाटा जो एक तरह से जैसे मान लीजिए कि हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं, उसी तरीके से ये भी उसी में लग जाएगा, यानी कि यूएसबी पोर्ट में लग जाएगा हमारे स्मार्ट टीवी में। अगर एंड्रॉइड टीवी है उसमें भी यूएसबी पोर्ट होता है, उसमें लगा सकते हैं, और लगाने के बाद तुरंत ये माउस काम करने लगेगा। इसमें कुछ भी एक बटन होता है ऑन करने के लिए, उसको ऑन करते ही माउस काम करना चालू कर देगा। अच्छा, वायरलेस वाले में जो है इसमें लगता है बैटरी, यहां पर देखिए इसमें ये जो वायरलेस होता है ना, इसमें एक बैटरी लगती है, ये देखिए ये बैटरी लगती है, तो ये बैटरी से चलता है। बेसिकली करना क्या है, बस आपको ये वाला जो एडाप्टर है ब्लूटूथ एडाप्टर को, इसको अपने स्मार्ट टीवी में यूएसबी पोर्ट में लगा देना है, या फिर अगर आपके पास एंड्रॉयड टीवी है तो उसमें भी यूएसबी पोर्ट में इस एडाप्टर को लगाकर आप बहुत ही आसानी से अपने एंड्रॉयड टीवी में माउस को चला सकते हैं और अपने स्मार्ट टीवी में भी माउस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मतलब सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनके पास ब्लूटूथ है और ब्लूटूथ नहीं है। लेकिन ये जो वायरलेस वाली बात हो रही है, ये एडाप्टर उनके लिए है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एक आता है एडाप्टर जो इसके साथ आएगा, वायरलेस माउस के साथ आएगा, कीबोर्ड के साथ आएगा, दोनों वायरलेस माउस और कीबोर्ड के साथ एक ही एडाप्टर आएगा, उसको लगा देना यूएसबी पोर्ट में काम करने लगेगा। लेकिन स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ नहीं है, उसके लिए एक ब्लूटूथ एडाप्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि दो तरह के एडाप्टर होते हैं, एक दो होते हैं वायरलेस इस कीबोर्ड माउस के लिए, और एक होता है ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। तो दोनों आपको लेने पड़ेंगे। उम्मीद है वीडियो से आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी, अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।